नमस्कार दोस्तों, धन प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 की उपधारा 1 के अंतर्गत जब न्यायालय किसी व्यक्ति को आदेश करती है कि वह व्यक्ति अपने आश्रितों को जिनका वह भरण पोषण नहीं कर रहा था, चाहे वह व्यक्ति उसके माता पिता हो, उसकी पत्नी हो, उसके नाबालिग बच्चे हो, उसकी विधवा पुत्री हो, उसके विकलांग पुत्र या पुत्री हो, ऐसे व्यक्तियों का अगर वह भरण पोषण नहीं कर रहा था, न्यायालय भरण पोषण देने के लिए आदेश करती है, चाहे वह भरण पोषण की राशि अंतरिम हो, चाहे भरण पोषण की पूर्ण राशि हो। तो अगर वह व्यक्ति जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों को भरण पोषण की राशि उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। फ्रेंड्स, जब भी 125 आरपीसी की धारा 1 के अंतर्गत न्यायालय भरण पोषण देने के लिए या अंतरिम भरण पोषण देने के लिए आदेश करती है और वह व्यक्ति जानबूझकर नहीं देना चाहता है ऐसा भरण पोषण की राशि, तो ऐसी सिचुएशन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 की उपधारा 3 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके एक मास के अवधि के लिए न्यायालय के आदेश पर कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है, उसे जेल भेजा जा सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति भरण पोषण की राशि दे देता है बीच में ही, तो उसे फिर कारागार से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं देता है तो एक माह तक उसे कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि जब भी मान लीजिए ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो आदेश के एक वर्ष के अंदर प्रार्थना पत्र देना होगा न्यायालय के समक्ष कि मेंटेनेंस की जो राशि है, अंतरिम मेंटेनेंस की जो राशि है, वह भुगतान नहीं की जा रही, वह नहीं दी जा रही है, तो उसी सिचुएशन में न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगी। एक कंडीशन और है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की पत्नी है और वह अलग रह रही है और वह व्यक्ति न्यायालय से आवेदन करता है कि उसको आदेश दिया जाए कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, वह उसका गुजारा करने के लिए तैयार है, तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रार्थना पत्र पर विचार न्यायालय करेगी। लेकिन इसमें एक और अपवाद है कि अगर ऐसे व्यक्ति ने मान लीजिए कोई दूसरी शादी कर ली है या कोई उसकी अगर मान लीजिए कैप्ट है, किसी अन्य महिला के साथ उसका संबंध है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति के साथ उस महिला को रहने के लिए न्यायालय कोई आदेश नहीं करेगी और मेंटेनेंस की जो राशि है उसका भुगतान उस व्यक्ति को करना ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये है प्रावधान कि अगर 125 सीआरपीसी की धारा 1 के अंतर्गत कोई व्यक्ति मेंटेनेंस की राशि, चाहे वह पूर्ण हो या अंतरिम हो, अगर भुगतान नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन में 125 सीआरपीसी की उपधारा 3 के अंतर्गत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय जारी कर सकता है और उसे एक महीने के लिए कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।